मैं उज्मा खान और आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लाइट 7 न्यूज में। तो आइए डालते हैं एक नजर कुछ खास खबरों पे। और ये तो सिर्फ 200 एपिसोड है, वो स्टिल मतलब एक बहुत टाइनी बेबी है हम। और अभी बहुत सारे ऐसे कितने हंड्रेड एंड हंड्रेड और एपिसोड्स होते जाएं और बहुत जल्दी लाइक ऐसे लग रहा है हम कल ही आए थे कि 100 एपिसोड्स हुए थे या जस्ट लॉन्च हुआ था एंड बहुत जल्दी वक्त गुजरा। पर इट्स बीन अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। तो अनुभव बताइए कैसा अनुभव था और बताइए जो शो है और जो कैरेक्टर्स हैं ये काफी जो ग्राउंडेड हैं रूरल बैकग्राउंड के, तो इट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू प्ले द कैरेक्टर एज सच। डिफिकल्ट ऐसे नहीं मैं बोलूंगी, बिकॉज मेरा कैरेक्टर जो है वो वैसे भी बहुत सटल है। मैं माय
फादर वाज फ्रॉम बिहार, तो एक हल्का सा वो टच मुझे पता है, फैमिलियर हुई थे, तो मैं मोम इज अ सरदारनी, तो थोड़ा इस शो की बहुत यूनिक बात यह है जो समा सर ने लिखी है, आप हमारे शो में गिड़गिड़ाते हैं, टॉर्चर नहीं हो रही है, लिंकी की जो सिचुएशन है उसमें रहते हुए भी वो हम सबको नचा डालती है, बट वो ऐसा नहीं दिखाया है कि रिग्रेसिव, यू नो, तो सास बहू की सास सता रही है तो बहू रो रही है और मंदिरों में जाके मन्नत मांग रही है, हम सब एक प्रोग्रेस, बोल दो हम बहुत छोटी जगह रह रहे हैं, कुरसावापुर एक छोटा सा गांव जैसा है, बट सोच प्रोग्रेसिव है, वो सोच हमारी नहीं है, एक्चुअली रमा सर की है, तो जो दिखाना चाहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरीके से, कुछ लोग हैं जो बात नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे प्रॉबेबली अभी निम्पी है या स्वीटी है बट वो जिस तरह से उस चीज़ को दर्शाते हैं, हर जो फीमेल कैरेक्टर थे डेली सोप में, आई थिंक वुमेन आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे शो के जो वुमेन हैं बिल्कुल भी वो उस तरह की बेचारी और तो है ही नहीं, और यू हैव दैट स्पंक और एटीट्यूड है, और निम्की को ही देख लीजिए, मतलब कहीं से कोई कह नहीं सकता कि उस पर कोई अत्याचार हो रहा है जिससे वो परेशान है, मतलब उस तरह का एक जो गो गेटर विनर वाला एटीट्यूड है वो सब में दिखाते हैं। यू नो एंड नॉट इज काफी सारी जो टेलीविजन एक्ट्रेस हैं, यू नो बॉलीवुड में आ रही हैं, अभी आप मॉर्निंग वॉइस को देखो, साक्षी तन्वर हैं, क्या कहना चाहेंगे टेलीविजन मीडियम से जुड़ना इज समथिंग सेटिस्फैक्ट्री और ये बॉलीवुड का भी इट इज सेटिस्फैक्ट्री अगर आप कुछ अलग कॉन्टेंट वाले शोज करते हैं एंड नॉट बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ इनकी मुखिया बट ऑनेस्टली एंड वेरी जेन्युइनली स्पीकिंग इसका कॉन्टेंट अलग है, ये अलग टाइप का शो है, समझ में आता है, इट्स रियली डिफरेंट, मतलब बहुत डीप से डीप बात भी वो जो ह्यूमर के अंडर करेंट में बोल जाते हैं जमा सर, हर शो में नहीं दिखाई जाती या उतनी लेयर्स ही नहीं दिखाई जाती है किसी किरदार में, तो इस तरह के शोज मिले तो मजा आता है करने में, नहीं तो बहुत रन ऑफ द मिल शोज करो तो लगता है यार फिल्म मिलनी चाहिए, बट इस शो में ऐसा नहीं लगता, एंड जो मेरा कैरेक्टर मुझे बहुत एक सटल में समझा हुआ बट अपने अंदर ही अंदर बहुत टर्मोइल में जाती है उस तरह का कैरेक्टर। एंड व्हाट्स इन द फ्यूचर पाइपलाइन, क्या कहना चाहेंगे, मतलब इस शो से जुड़ी रहेंगी कि आगे कुछ क्या? अरे बिल्कुल, जब तक ये शो चलेगा मैं जुड़ी रहूंगी, बिल्कुल जुड़ी रहूंगी, बिकॉज इस शो में हर किरदार भी अपने अपने लेवल पे इवॉल्व हो रहा है ना, हर कोई वैसा ही नहीं है जो शो की शुरुआत में था, हर एक का कैरेक्टर स्टोरी के हिसाब से अपने हिसाब से इवॉल्व होते जा रहा है एंड वो प्रोग्रेशन दिख रहा है, हर कैरेक्टर का दिख रहा है, एवरी सिंगल कैरेक्टर। थैंक्स मैम। जहाँ से स्टोरी उठाई है सर बिहार से, और बिहार की जो संस्कृति है, परंपरा है, जो माहौल है, जिस लहजे में हम वहाँ पे बातें करते हैं दूसरे से, कैसे पड़ोसी के साथ अपने अगल बगल के लोगों के साथ कैसे हमारी बॉन्डिंग होती है फैमिली के साथ के जैसे हम लोग रहते हैं दूसरे के साथ, वो चीज़ें निकल के आती है, ये नहीं दिखता कि वो पड़ोसी है तो वो पड़ोसी है, ये घर वाला है तो घर वाला, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है जो कि हमारे शो की यूएसपी है, और हमारा जो डायलॉग है वो यूएसपी है हमारे शो की, उनकी जो होती है जय। ये भी जानना चाहूँगा कि शो का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं करना होता, सोशल मैसेज या सोशल एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, ये कितना जरूरी है और आगे चल के क्या कहना चाहेंगे शो में किस तरह के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अराइज किया जाए? सोशल मैसेज तो होने ही चाहिए हर शोज में, क्योंकि बहुत बड़ी सोसाइटी है जो टीवी देखती है और वो माहौल में नहीं जाना पसंद करती है, या गाँव में भी टीवी के माध्यम से वो फैशन भी देखते हैं, मैसेज भी देखते हैं, तो हर शो में एक मैसेज ज़रूर होना चाहिए, ठीक है एंटरटेनमेंट है लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज तो होना ही चाहिए। मैं तो अभी निम्की मुखिया कर रही हूँ, मैं भोजपुरी फिल्म में भी काम कर रही हूँ, तो वो भी हमारे जून में भी है, कभी कभी कहता हूँ भी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी टू बी अ पार्ट हियर फॉर दिस सेलिब्रेशन, बहुत ही कमाल का शो है, मैंने देखा हुआ है, एंड द राइटिंग इज अमेजिंग, द टेकिंग इज अमेजिंग, सब कुछ सही। जो 200 एपिसोड कंप्लीट करना आसान बात नहीं है, एज यू नो डेफिनेटली टेक्स अ लॉट ऑफ राइटिंग स्किल्स, एक्टिंग, लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिकॉज द ऑडियंस कीपिंग देम एंगेज्ड, वो मतलब कहते हैं ना कि 26 एपिसोड ऑडियंस को एंगेज रखना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे तो 200 एपिसोड कर लिए, सो इट्स रियली रियली कमेंडेबल एंड ऑल द बेस्ट टू निम्की मुखिया एंड द एंटायर टीम। So do you think that entertainment is not the only the things we should be, you know, catered to the people? एक सोशल अवेयरनेस है, एक सोशल मैसेज होनी चाहिए, लाइक वोमेन एम्पावरमेंट है या और भी काफी सारे इशूज हैं जो कि आई मीन अ कंप्लीट एंटरटेनर इज वैन यू इंक्लूड सोशल इशूज, यू नो वो जो आप अगर सीड इन करते रहते हो अपने स्टोरी लाइन में तो इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स द ऑडियंस, इट मेक्स अ डिफरेंस, यू कैन डू सोशल चेंज, सो
I am completely for it. I'm for it. And what about you? Working in any project? You're working in any project? Any film or any? I'm around. You can see me. Abhi Ishwas chal raha hai, aapko jaise pata hai. And I've got a feature film releasing with the Mahesh Bhatt camp called Jalebi. So you can look out for that. And even short films and web series are making around. I mean, they're creating a new wave. What do you have to say about the actors who are, you know, aspiring to create a mark? How beneficial is web series and short films for them? An actor is an actor is an actor. Which I would theater kar raha ho, ya film, ya serial, ya jo bhi hai. Because ultimately you're playing a character who you are not. So mere hisab se aaj kaam badh gaya hai because of so many things happening. And it's a very good time for actors. Bahut acha waqt hai actors ke liye. And I think it's the best thing that's could be happening to our industry at this point. Thanks. All right. Thank you. ये शो सबसे पहली बात ये कि थोड़ा फैमिली ड्रामा नहीं था और हाँ और सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा टीवी पे बहुत कम आता है तो कोशिश ये थी कि मतलब बाकी जो टिपिकल अपना फैमिली ड्रामा हम देखते आए हैं काफ़ी साल से और मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस थोड़ी बोर भी हो रही थी और एक समाजी तौर पे मुझे एज राइटर ऑल्सो आई फील कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट आना चाहिए जिससे एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ हम अपनी दुनिया को अपने सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो को समझ सकें तो ये इस वजह से ये सब्जेक्ट मैंने चुना था और उसमें यस मतलब हम उस ऑडियंस को नहीं छोड़ सकते हैं जो फैमिली ड्रामा भी देखना चाहती है तो इसकी एक फैमिली की कहानी वो सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा के साथ मिक्स करते हुए ये कहानी हमने बनाई तो ये जो लीड स्टार्टअप की बात है कि मैंने जो चुनाव किया आपने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें जदोजहद हुआ क्योंकि इतना आसान नहीं था ये एक बिहारी कैरेक्टर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बड़ा मतलब मैं शायद फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं करनी पड़ी थी मैंने भूमिका का एक किसी दोस्त ने मुझे फ़ोटो दिखाया और फोटो देख के ही मैंने भूमिका को चुन लिया और उसके उसी डे वन से हमारा मेरी तरफ से ये डिसाइडेड था कि भूमिका विल बी द नेम की और इत्तेफाक से उसके दो तीन दिन के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हम इससे मिले और बातचीत की और वो डिसाइडेड हो गया मैंने चैनल में शेयर किया और चैनल ने भी इमीडिएटली कहा कि यस रूम हर लेट अस सी एक टास्क था कि शी इज फ्रॉम हिमाचल एंड बिहारी कैरेक्टर प्ले करना बड़ा मुश्किल था खासतौर से डायलेक्ट को समझना बड़ा मुश्किल था वो एक्सेंट को समझना मुश्किल था तो वी वर्कड ऑन ऑलमोस्ट 4-5 months टुगेदर एंड शी आई मस्ट से शी हैज रियली रियली वर्कड हार्ड सो तो ये कहना चाहूँगा कि इतनी जो शोज आते हैं आजकल शोज आते हैं तो अपने आप को स्टैब्लिश करना कितना बड़ा टास्क हो गया है कि अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते नहीं बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल मतलब जो शोज आ रहे हैं आ क्या रहे हैं तीन महीने चार महीने पाँच महीने की लाइफ हो गई है किसी शो की हम सब क्लूलेस हैं कि ऑडियंस क्या चाह रही है किस तरह के शोज बनाए उसमें एक सब्जेक्ट को चुनने और अपने कंफ्यूजन के साथ जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर वो सक्सीड होता है तो ज़्यादा मतलब डिलाइटफुल होता है हम ज़्यादा खुश होंगे और जनरल रिस्पांस क्या रहा है इंडस्ट्री के लोगों का या कोई कॉमन आदमी का शो देखने के बाद और क्या कोई सोशल अवेयरनेस या कोई सोशल मैसेज प्रोवाइड कर रहा है ये शो यस यस एक तो इंडस्ट्री ने अपनी टीवी इंडस्ट्री ने इस शो को बहुत सराहा है मतलब मुझे पर्सनली सारे प्रोड्यूसर फ्रेंड्स हों या राइटर फ्रेंड्स हों या डायरेक्टर फ्रेंड्स एक्टर्स जितने सीनियर एक्टर्स हैं सब ने बहुत बहुत तारीफ की अब तक इस शो की इसकी यूनिकनेस की इसके कैरेक्टर्स की सारे कैरेक्टराइजेशन की तो सब लोग बहुत मतलब इनसाइडर्स अगर मैं बोलूँ अपनी फ्रेटर्निटी के लोग उनको बहुत पसंद है बाहर ऑब्वियसली मतलब वॉट सक्सेस वी गॉट थ्रू TRP तो दैट इज़ द प्रूफ कि इवन ऑडियंस आर लविंग दिस शो सो आई थिंक ये एक कामयाब कोशिश है
और अब तक हम इसको कामयाब बनाए हुए हैं और इंशाल्लाह मतलब आगे भी हम इसको कामयाब मैम आपसे जो रीजनल डेलीगेट यूज किया गया है जिस तरह से रियलिस्टिक सर रिसर्च किया है मुझे हमने बहुत से लगाए थे जिन्होंने काम किया कि मुझे कैसे सिखाया जाता है क्योंकि सिखाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंड मुझे रेफरेंस दिए जाते थे कि कुछ मूवीज के और मेरे जहाँ पे डायलेक्ट है जहाँ पे वो टोन है तो उनको देख देख कर इनके जो फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे रेफर किया था सर को उनके साथ में बैठ के बहुत सारे मैंने बहुत सारे सेशन दिए जहाँ पे कि कल्चर क्या है बात कैसे करते हैं एंड इनफैक्ट एंड में आके जब वेन आई कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग आई हैड ओनली हिम टू मेक मी अंडरस्टैंड एवरीथिंग तो एंड में जब इन्होंने मुझे अपने टर्म्स में समझाया कि उनकी ये है तब जाके आई थिंक मुझे वो क्लिक हुआ कि धीरे धीरे मुझे इन्हीं से हर एक चीज़ क्यों मिलता है अगर कोई भी आज सीन लेके आता है मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँ तो मैंने ये कॉल करके पूछ मैं करूँ कैसे मुझे एक जो एक अपना एक आई थिंक apart from being an amazing writer and producer he is an amazing actor Dama sir actually he is amazing he said Dimki ke role ki baat nahi hai but every character jo unhone likhe hai unse better koi nahi kar sakta matlab we are just trying to match his level but I hope that we are just ye ekdam sahi baat hai matlab actually mujhe yaad hai Mirzapur mein hum baithe the aur ek scene hamara sir center mein तो ऊपर रात पहले बता रहे थे कि कैसे करना सेंटर इतनी अच्छी तरह इनैक्ट करके बनाया मैं उनको देख रहा हूँ आप ही करो बहुत अच्छा करते हो ही इज एन अमेजिंग एक्टर सेंटर लुक आई थिंक ही इज एन ऑलराउंडर जिस तरह वो लिखते हैं हम लोग स्क्रिप्टिंग करते वक्त कि एक ही ज़्यादा घंटा भी वेस्ट करते हैं हाथ हंस के क्या लिखे आया है कमाल है एंड एट द सेम टाइम व्हेन वी ट्राई टू डू इट एट अवर बेस्ट बिकॉज वो जस्टिफाई करना होता है कि जो लिख के आया हम वैसे कुछ करें बट कभी कभी नहीं हो पाता कि कैसे हो जाता है हम चाहेंगे कि हमको दूसरा कैरेक्टर बहुत जल्दी ना मिले हम यही करते रहे और मिले मिले बहुत जल्दी ना मिले जी के जाए इसको अच्छे से जी के जाए has definitely changed my life and also as an actor it's you know given me a lot of appreciation jo pehle shayad itna limelight pe nahi aaya but mujhe acha lagta hai I feel that I am acting you know for the first time I feel I am acting and it's all because of this man right here like thank you so much thank you bye bye ki humko aapse ek meeting karni hai तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा यादें इनके पास है आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इन्हें पूछना चाहिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक यू नो वो एक थ्रो बैक में चले जाते हैं शी इज गिविंग ऑल द क्रेडिट टू मी ऐसा कुछ नहीं है ये खुद भी निमकी जैसी है रियल लाइफ में वही सारी मस्ती और वही सारी शरारतें बट हमारे रियल लाइफ की जो निमकी है वो एक लड़की नहीं है जिससे इंस्पायर्ड है वो हमारे सर हैं बिकॉज निमकी ये हैं और ये अपने आप को सोच के वो कैरेक्टर लिखते हैं और ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है मैं हर जब से मुझे पता चला है मैं हर इंटरव्यू में बोलने शुरू कर चुकी हूँ ये एंड बिकॉज मैं जब भी अटकती हूँ यहाँ कहीं पे कि मुझे एक ही चीज़ एक ही हेल्प है मैं किसी को कॉल नहीं करती हूँ आई ओनली कॉल हिम कि प्लीज़ हेल्प मी आई एम स्टक मैं इसको कैसे करूँ मुझे नहीं पता निमकी ये सिचुएशन में क्या करेगी और वो बस एक ही नॉर्मली बोल के चले जाते हैं मतलब वाह यही तो चाहिए ना एक्चुअली ही इज़ वेरी क्लियर विद निमकी मुझसे जब भी ये सवाल पूछा जाता है मुझे लगता है हमारा जो शो है उसके ना दो स्तंभ हैं बहुत ही सॉलिड सबसे अच्छा तो हमारे जो लेखक हैं बहुत अच्छी राइटिंग है और सेकेंडली जो ये कर रही हैं मतलब जो वो लिखते हैं ये एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर देती है उसको तो सेंट्रलाइज कैरेक्टर एक जो हमारा निमकी है वो ये बहुत अच्छा कर रही है और वो लिख तो अमेजिंग ही रहे हैं तो मुझे लगता है ये दो बहुत सॉलिड स्तंभ हैं हमारे और ये जब तक ऐसे ही रहेंगे तो हमारा शो बहुत आगे तक रहेगा हाँ ये मुझे मालूम था कि ये सवाल आएगा कि ऐसा क्या है कि मतलब इतनी तारीफ कर रहे हैं पूछना ही नहीं चाहिए दिस शो इज बिकॉज़ ऑफ हिम सो आई थिंक दैट्स रॉन्ग नहीं हम वी शेयर म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शी एंड ही दे आर ट्रेमेंडस एक्टर वेरी गुड एक्टर्स और किरदार के जो मतलब एक लेयर्स को ना हम डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं हम कभी भी ऐसे भी हम बात कर रहे होते हैं ऑफ द शूट कभी ऐसे हम बैठ के सेट पे भी या घर पे या कहीं भी मिलते हैं तो हम कैरेक्टर्स के लेयर्स पे ज़्यादा बात करते हैं तो उसकी वजह से हम सबको हेल्प मिल रहा है कई बार बताते बताते मैं खुद कई चीज़ों को डिस्कवर करता हूँ
कई बार वो बताने में इनको एक और लेयर समझ में आता है कि अच्छा ये तो हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो ये वी आर एक्सप्लोरिंग एंड वी आर डिस्कवरिंग निमकी एंड अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो. एंड आई थिंक व्हेन यू डू अ सर्टेन डेली सोप आप एक जगह पे ही अटक जाते हो 100, 200, 300 एपिसोड करते करते, पर आपको ये जरूर जाना होता है कि एज एन एक्टर यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट आफ्टर सर्टेन एपिसोड, क्योंकि आपको देख के शायद इंसान या ऑडियंस आपको शायद बोर हो सकती है. अगर निमकी वही चीज़ रोज करेगी तो शायद वो एक स्पार्क नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई वी ऑल वेन एवर वी मीट अप विथ हिम अपार्ट फ्रॉम जोक्स एंड एवरीथिंग वी डेफिनेटली टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट अब क्या नया लेके आ सकते हैं हम, और निमकी इस वक्त क्या करेगी. एंड निमकी इज अ वेरी अनप्रडिक्टेबल कैरेक्टर, अनप्रडिक्टेबल प्रडिक्टेबल हो सकता है, बट शी इज समवन हु कैन बी प्रडिक्टेबल एट टाइम्स एंड डू समथिंग विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो. सो आई थिंक ऑल एंड ऑल एवरी एक्टर, नॉट ओनली मी, आई वुड नॉट से इट्स ओनली मी, आई थिंक एवरी वन इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब. सब लोगों ने मतलब संभाल के रखा है ये शो, एंड सर तो है ही हमारे बैकबोन, एंड आर डायरेक्टर्स एंड डीओपीस एवरीवन, दे आर ऑसम. आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू. कई शोज आते हैं अनफॉर्चुनेटली लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है, कुछ भी रीज़न हो बंद हो जाते हैं या वॉट एवर, बट हमारा जो निमकी मुखिया अभी तक जैसा जा रहा है आई क्रॉस, और मैं चाहूँगी कि सिर्फ 200 नहीं, इसमें बहुत सारे जीरोज लगते जाए आप लोग ऐसे ही आए. और चूँकि जो स्टोरी लाइन है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, साथ में बहुत ज़्यादा रिलेट करती है हमारे आज के टाइम से, बिकॉज वुमेन ऐसा मुद्दा है आज की लाइफ में कि हर कोई जानना चाहेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है. तो निमकी जो बनी है, निमकी मुखिया, उसके अद्भुत अद्भुत जो क्या बोलना चाहिए आइडियाज़ है लाइफ को लेके, इतना स्ट्रगल कर रही है फिर भी खुश है, सोसाइटी में चेंज लाने का प्रयास कर रही है, वो सब है. तो इसलिए वो करने में ना बड़ा मजा आ रहा है, एक लीक से हटके चीज है. एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बहुत ही मजबूत कैरेक्टर है, बड़ा मजबूत. तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में इतनी इनसिक्योरिटी, यू नो, सो मच केसेस ऑफ हैपनिंग, सो हाउ टू बी अ वुमन कैन बी स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर रियल लाइफ में स्ट्रॉन्ग होना तो व्हाट शुड बी डन. सी, जैसे कि इसमें हम छोटे छोटे टिप्स देते हैं, मतलब निमकी मुखिया ऐसे निमकी वो छोटी छोटी बातें बोलती है कि क्या हुआ अगर घर में चोर आ रहा है, एक छोटा एग्जाम्पल है, घर में चोर आ गया है तो हम अपने आप को क्यों नहीं सेव करें, क्या लेके जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ लेके भी जाए तो जाने दो, जान ज़्यादा प्यारी. तो एक एक कैसा मैसेज मिला आपको, ऐसा लगेगा कि वो चोरी करने दे रही, नहीं, बट शी इज सेविंग लाइफ ऑफ अपना फैमिली मेम्बर को बचा रही है, दादी घर में अकेली है, तो आप बच जाओ, हम बच जाए, उससे बढ़कर क्या होगा. तो एक इसी से आपको छोटा सा मैसेज मिलता है कि वो कैसे लाइफ को जीती है. सो बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, बी इंडिपेंडेंट, अपनी लाइफ को चाहे गांव में रहो चाहे सिटी में रहो, मुझे ऐसा रहना पसंद है, मुझे ये अटायर पसंद है, हम तो भाई ऐसे ही रहेंगे, वो टाइप ऑफ थिंकिंग. लास्टली आज की टेलीविजन मीडियम में भी बहुत पावरफुल हो गया, इट्स नॉट लेसर देन बॉलीवुड, तो क्या कहना चाहेंगे जब भी कोई आता है आर्टिस्ट, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ टेलीविजन, हाउ प्राउड डू यू फील एंड हाउ यू नो कैन मेक एन इंपैक्ट फॉर एन आर्टिस्ट. Yeah, definitely. It's not necessary ki you are doing television or you are doing Bollywood or whatever. If you are into TV, if you are into anything, I'll say, do it confidently and do it very lively so that people can connect you. The main thing is connection, I would say. Because aap jab tak kisi se connect nahi karenge, aapki janta se, audience se, tab tak aap wo cheez nahi de payenge. Chahe wo hero ho film ka, heroine ho film ki, serial ki, supporting characters ho, kyun famous ho jate hain? Because wo उस चीज़ को कनेक्ट करते कि हाँ ये बंदी ऐसा करती है, बड़ा अच्छा लगता है. सो आई एम वेरी प्राउड टू बी अ टेलीविजन एक्टर, एंड आगे देखा जाएगा जो भी होगा, बट आई एम वेरी हैप्पी फिलहाल गेटिंग दिस रेखा का, गजवा वाले का कैरेक्टर जो जमा सर ने लिखा है, सबका बड़ा उम्दा, बहुत अच्छा लिखा है. एक कैरेक्टर में जो क्रिस्पनेस है, एक अलग सा कुछ है जो सब जमा सर ने लिखा है, प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड हमारे राइटर भी वही है. आई मस्ट से थैंक्स टू देम, सागर टेलीविजन.